हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के ऊपर जो आज भी सारे लोगों के साथ होती रहती है, जैसे कि जो लोग कोल्ड एरिया में रहते हैं उन लोगों के साथ सुबह सुबह गाड़ी को स्टार्ट करने में दिक्कत होती है, कई बार गाड़ी स्टार्ट होने के बाद बंद हो जाती है। अब वो प्रॉब्लम आती कहाँ से, आज उसी के ऊपर बात करेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो ये है इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, इसके कारण ही सुबह सुबह गाड़ी कोल्ड स्टार्ट होने में दिक्कत है और कई बार स्टार्ट होने के बाद बंद हो जाती है। अब जिन लोगों के पास या जिन भाइयों के पास डोर टूल नहीं है जो मार्केट में काम करते हैं, वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और कैसे इस चीज़ को पकड़ेंगे, तो उसके लिए हमने एक अच्छा तरीका निकाला उसी हिसाब से, जो डोर टूल ना होने के कारण कैसे चेक करेंगे। ये हमारे पास एक डेड सेंसर है, ख़राब हो चुका है और हमने इसी प्रॉब्लम के ऊपर एक बदला हुआ है। ये सेंसर अच्छा है, सही है। अब इसमें कितने रेजिस्टेंस आएंगे और इसमें कितने आएंगे वो आपको मैं दिखाता हूँ, और आप इस तरह मल्टीमीटर से चेक करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मल्टीमीटर है, अब हमने इसकी रीडिंग कहाँ रखनी है, ये हमें ओम्स में रखना है, ये रखना है हमने 20 के में, मल्टीमीटर को 20 के में रखना है। फिर यहाँ एक नंबर आएगा, आप वो एक नंबर से पहले इसको रीस्टार्ट कर लीजिए, इस तरह करके इसको शॉर्ट कर लीजिए यहाँ से, फिर ये रीस्टार्ट हो जाएगा। अब जो हमारा डेड वाला सेंसर है, मैं एक बार आपको इसमें लगा के दिखाता हूँ डेड वाले सेंसर में कि क्या है। तो जैसे हम इसका माइनस प्लस कुछ नहीं है, कोई सा भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको लगा रहे हैं ये बोल ही नहीं रहा, जो मल्टीमीटर है कुछ नहीं बता रहा है। अब इस केस में क्या हुआ कि ये सेंसर तो बिल्कुल डेड है, इसलिए मल्टीमीटर कुछ नहीं बता रहा। अब हम चेक करके ये सही वाला सेंसर, इसको जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सात हज़ार से 12,500 तक आना चाहिए नॉर्मल में, जो ठंडा होता है, और गर्म में 15,000 से 17,000 तक आना चाहिए। तो ये सेंसर हमारा NOK है, ये है इसका तरीका चेक करने का। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।